एमपीज को जिताकर लाएंगे इस अकेले मुद्दे पर पूरे देश। और निश्चित रूप से ये लोग जो जीत कर आएंगे ये इन हरामखोर नेताओं में से नहीं होंगे, ये पक्का है। हम इस देश के ईमानदार, चरित्रवान और इस देश के पारदर्शी लोग जो अपने अपने क्षेत्र के कोई बड़े विशेषज्ञ हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, कोई बहुत अच्छा किसान, कोई बहुत अच्छा कारीगर, कोई बहुत अच्छा शिक्षक, ऐसे लोगों में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे जनता इनको वोट देगी, हमको विश्वास है देगी, क्योंकि जनता तो अभी भी हमको यही कहती है आप तो जल्दी से यही काम करो, हम तो इन्हीं को वोट देकर भेज देंगे ताकि जिंदगी भर की जलालत तो खत्म हो हमारी, ये पैसा तो आ जाए। जनता तो तैयार बैठी है, करने की देर। तो हमारा संकल्प तो इतना बड़ा कि अगर वर्तमान संसद के नेताओं ने नहीं किया तो नई संसद बनाएंगे, और विधानसभाओं ने कोई रास्ते में रोड़ा अटकाया तो विधानसभाएं भी नई बनाएंगे, और एकदम पूरे देश में नए नेताओं को स्थापित करेंगे जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से अभिभूत हों। और हम तो ऐसे लोगों की खोज करेंगे जिन्होंने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को भारत की आजादी की लड़ाई में खोया है, ऐसे लोगों को सबसे आगे हम रखेंगे, क्योंकि पहला अधिकार उन्हीं का है इस देश की आजादी। दूसरा कदम हमारा ये होगा। तीसरा और एक कदम हम उठा सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। एक बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, आपको याद होगा, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया लाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। उसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए और वो स्विट्जरलैंड में जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाकर इस मामले में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 133 करोड़ रुपए जो बाहर गए हैं वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और जिस व्यक्ति के खजाने में ये पैसे हैं उसको अब जेल में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया और अभी तक वो जेल में है। और 133 करोड़ रुपए जो खाते में जमा था वो भारत में वापस आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एक ही फरियाद करेंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, गेहूं घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, अलकतरा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, सभी घोटालों का आ सकता है, क्योंकि घोटाले तो सब एक जैसे हैं, पैसा सबका राष्ट्र की संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा 110 लाख करोड़ आ जाएगा। और एक रास्ता है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ केस कर सकते हैं इस मामले में। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगर हम केस करें तो 50 दूसरे देश भी तैयार हैं मुकदमा करने को, क्योंकि उनके देशों का भी पैसा स्विस बैंकों में है, और हम उसमें जीत सकते हैं और ये पैसा हम वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक ठोस बात कहता हूं, वो ये कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही किया है। अमेरिका में एक बराक ओबामा नाम का राष्ट्रपति आया, पहली बार एक काला आदमी अमेरिका में राष्ट्रपति बना। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनना आसान बात नहीं है, गोरे लोगों का वोट 85% है, काले लोगों का वोट 15% है, फिर भी बराक ओबामा जीतकर राष्ट्रपति बना। कैसे बना? बराक ओबामा ने अमरीकी लोगों को एक संकल्प कराया था और उसने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम क्या करूंगा, तो उसने कहा था कि स्विस बैंक में जो अमेरिका के लोगों का पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति बनाओ। तो अमेरिका के लोगों ने हिलेरी क्लिंटन को हरा के उसको लाया,
जबकि हिलेरी क्लिंटन मूलतः अमेरिका की है और गोरी महिला है और ये मूलतः कीनिया का है और काला आदमी है, फिर भी अमरीकियों ने इसको जिता है क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि मैं स्विस बैंक का पैसा लाऊंगी, बराक ओबामा ने किया। लोगों ने इतने वोट दिए उसको कि 250 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में, और उस आदमी ने भी वायदा निभाया। राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर उसने ये कानून बनाया अमेरिका, और अमरीकी संसद से यह कानून उसने पास कराया कि स्विस बैंकों में जो धन अमेरिका का है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति है। कानून पास हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए वो भेजा गया। अमेरिका के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो कॉपी उनको दी अमेरिकन पार्लियामेंट के कानून की। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के सारे खातों से पैसा निकालकर 470 अरब डॉलर बराक ओबामा को वापस दे दिया। 4,490 खाते मिले अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं के स्विस बैंकों में। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है लेकिन ऊपर के स्तर पर है। उन्होंने अपना काम कर लिया और बराक ओबामा ने वो 470 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड से वापस ले लिया। अब बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका 30 करोड़ का देश है, भारत 115 करोड़ का देश है, हम भी ये कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने अगर अमेरिका को पैसा वापस किया है तो हमको क्यों नहीं करेंगे? हमको भी करेंगे। तो इसलिए हमें आत्मविश्वास है कि ये पैसा हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल, ये आने वाला है। फिर आप बोलेंगे और क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो हम ये पैसा वापस लाएंगे, दूसरी तरफ हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगली बार ये पैसा कभी बाहर जाए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये ले जाने वाले जो लोग हैं भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी करने वाले, इनके लिए कानून हम बनवाना चाहते हैं। संसद अगर हमारी बनेगी तो कानून हम ये बनवाएंगे और वो कानून ये होगा कि जब भी कोई आदमी इस देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में पकड़ा गया और अपराध उसका सिद्ध हो गया तो पकड़े जाने के 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा, इससे कम नहीं। और वो फांसी की सजा जेल के अंदर तहखाने में नहीं दी जाएगी, भीड़ भरे चौराहे पर जहां लोग देखें उसको, और लोग देखें तो उनको पता चले कि भ्रष्टाचार करने का ये अंजाम होता है कि चौराहे पर आपको फांसी दे दी जाएगी। जब ये डर बैठेगा लोगों के मन में तब भ्रष्टाचार इस देश में रुकेगा और उस पर कंट्रोल लगेगा। जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे भ्रष्टाचार ना रुकेगा ना उस पर अंकुश लगेगा। ये दूसरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। आप ये पूछेंगे कि ये धन आ गया 110 लाख करोड़ फिर करेंगे क्या? इस धन का सबसे पहले हम उपयोग करना चाहते हैं गांव के लिए। 6,35,365 गांव हैं जहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ आजादी के 62 साल। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सारे गांव वंचित हैं विकास से। रोजगार का साधन नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, इसलिए गांव से लोग भाग भाग कर शहरों में आते हैं और शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। भोपाल जैसे जो शहर है वहां की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में है। ये सब गांव से भागे हुए लोग हैं जिनको अपने गांव में कोई रोजगार नहीं मिलता, वो भोपाल आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं, कहां जाएं क्या करें। हम चाहते हैं कि हर भारतवासी को जहां वो जन्म लेता है, जहां वो बड़ा होता है, वहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको रोजगार के लिए भागने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे रोजगार हम गांव गांव में देना चाहते हैं। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? संभव है, इसका हमने बहुत अध्ययन किया, पता चला कि 100 उद्योग ऐसे हैं जो हर गांव में लग सकते हैं।
उदाहरण के लिए भारत में 2 लाख गांव हैं जहां कपास पैदा होती है और जिन गांवों में कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाकर सूत बनाया जा सकता है और सूत से खादी का कपड़ा बनाया जा सकता है और वो खादी का कपड़ा शहरों में बेचने के केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। तो गांवों में खादी बने और शहरों में खादी बिके, 2 लाख गांवों में हम ये रोजगार दे सकते हैं। उसका भी हमने काफी हिसाब जोड़ा कि चरखा चलाता है कोई आदमी एक दिन में 8 घंटे, तो एक दिन की कमाई कम से कम उसकी 150 से 200 रुपए के आसपास होती है अगर 8 घंटे चरखा चलाए, और एक परिवार के 5 सदस्य 8 घंटे चरखा चलाएं तो परिवार की एक दिन की आमदनी 1000 रुपए होती है। अच्छा रोजगार है ये खादी का, और ये रोजगार कोई मेरा आपका नहीं है, महात्मा गांधी के जमाने का है। वो बोलकर गए थे कि भारत के गांव-गांव में खादी का निर्माण हो और शहरों में खादी की बिक्री हो तो बेरोजगारी और गरीबी दोनों इस देश से मिट सकती। हमने हिसाब निकाला कि खादी के उत्पादन में और व्यापार में 15 करोड़ भारतवासियों को रोजगार दिया जा सकता है 2 लाख गांवों में। फिर एक ऐसे ही दूसरा उद्योग है, वो तेल का है। हम सरसों का तेल खाते हैं, नारियल का खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं, हर व्यक्ति को तेल खाने के लिए लगता है और इस देश में तेल हर गांव में बन सकता है, क्योंकि जहां सरसों होती है वहां सरसों का तेल हो सकता है, जहां तिल पैदा होता है वहां तिल का हो सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां नारियल का हो सकता है। भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल हर साल बिकता है, ये गांव-गांव से पैदा होकर शहर में अगर बिके तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार हम दे सकते हैं। तेल निकालना, डब्बे में भरना, शहर में लाके बेचना, इतना सा काम। ऐसे ही भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है और आलू से चिप्स बनता है और वो चिप्स बाजार में 400 रुपए का 1 किलो बिकता है। आपने देखा है रफल्स, हॉस्टेस, वो पैकेट जो है ना चिप्स का, मैंने उसका हिसाब निकाला, 400 रुपए किलो है और आलू 10 रुपए किलो है। तो जिन 90,000 गांव में आलू पैदा हो रहा है, हम उनको कहेंगे आलू बेचो ही मत, चिप्स बना के बेचो, उनका 400 रुपए किलो बिक सकता है तो हमारा 50 रुपए किलो तो बिकेगा, 60 रुपए किलो तो बिकेगा। और चिप्स बनाना इतना आसान काम है कि गांव की हर माँ, हर बेटी, हर बहन ये उद्योग में लग सकती है और हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को काम मिलता है। भारत में करीब 65,000 गांव हैं जहां टमाटर पैदा होता है और टमाटर की चटनी बन सकती है हर गांव में, और वो टमाटर की चटनी बोतल में भर के 200 रुपए किलो शहर में बिकती है। टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर की चटनी 200 रुपए किलो। हम किसानों को कहेंगे टमाटर बेचो ही मत, चटनी बनाओ, चटनी बेचो 200 रुपए किलो की। मतलब सीधा है, कच्चा माल मत बेचो, उसको पक्का माल बना के गांव से बाहर भेजो। टमाटर की चटनी गांव-गांव बन सकती है। इसी तरह गेहूं पैदा होता है भारत के 2.5 लाख गांव में, तो हम किसानों को कहेंगे गेहूं बेचोगे 11 रुपए किलो जाएगा और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो जाता है, तो गेहूं बेचो ही मत, आटा बनाओ, पैकेट में बांधो और शहरों में बेचो, जिनको झक मार के खरीदना है खरीदें, गेहूं बेचो ही मत, आटा बेचो, 26 रुपए किलो का बिकता। और शहरों में भी अब ऐसे लोग हैं जिनको आटा ही चाहिए, गेहूं कौन लाए, कौन उसको साफ करे, कौन उसको बीने, कौन उसको धोए, कौन उसको सुखाए, हम में आलस इतना आ गया है तो सबको बना बनाया आटा चाहिए, तो उनके लिए बना बनाया आटा गांव से आएगा, पैकेट बंद होके बिक जाएगा। हम तो कुछ और व्यवस्था चाहते हैं कि वो आटा हाथ वाली चक्की से बने, हाँ, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी ये जो मशीन वाली चक्की का आटा है ना, इसमें तो सब जल जाता है, क्योंकि आटा बनाते समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, पौष्टिकता सब खत्म हो जाती है। हाथ वाली चक्की से धीरे धीरे पिसाई होती है, उस आटे की सारी गुणवत्ता बरकरार रहती है और जो पीसने वाला है उसका वजन भी कम होता रहता है।
टू इन वन हुआ कि नहीं। हम तो एक अभियान चलाने वाले हैं कि जिस जिस के पेट बाहर निकले हैं वो हमारे साथ आओ, गांव की चक्की पर आटा बनाओ, आपको रोजगार भी मिलेगा, पेट भी आपका अंदर चला जाए। ऐसे ही इस देश में सभी तरह के मसाले गांव में पैदा होते हैं, जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सब तरह के मसाले, उनको साफ करके पैकिंग गांव में हो, शहरों में आकर बिके। तो ऐसे 100 तरह के उद्योग सब गांव में हो सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन है 60 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। अब बस देर किस बात की है कि स्विस बैंकों का पैसा जितनी जल्दी आ जाए तुरंत हम ये योजना लागू कर दें, क्योंकि इस योजना के लिए पूंजी की जरूरत वहीं से पूरी होगी। और हमने ये भी जोड़ा कि ये सारा काम कर देने के बाद, रोजगार सबको दे देने के बाद भी बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि 6,35,365 गांवों में 100-100 उद्योग अगर हम लगाते हैं, उसका सारा कैलकुलेशन किया, मुश्किल से 15-20 लाख करोड़ में ये हो जाएगा, मुश्किल से। फिर बचे पैसे का हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम बिजली देने का करेंगे, गांव-गांव में बिजली होनी चाहिए और छोटे छोटे पावर स्टेशन हम बनाना चाहते हैं, एक एक मेगावाट के छोटे पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन से 10 गांव की बिजली की सप्लाई हो जाए, इतने छोटे पावर स्टेशन। एक पावर स्टेशन 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ में बनता है, 1 लाख पावर स्टेशन बनाए तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है, उतने में हर गांव को बिजली मिल जाएगी। आप बोलेंगे हम छोटे पावर स्टेशन क्यों बनाना चाहते हैं? बात ऐसी है कि अभी जो पावर स्टेशन है बिजली के केंद्र, वो 1,000 मेगावाट के, 1,500 मेगावाट के हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है 13-14 हजार वोल्टेज की होती है, 11,000 वोल्टेज की होती है। अब वो बिजली घर में तो हम जला नहीं सकते, घर में जलने वाली बिजली 110 वोल्ट की होती है और बड़े पावर स्टेशन में 13,000 वोल्ट की पैदा होती है, उस बिजली को नीचे गिराना पड़ता है, जिसको स्टेप डाउन कहते हैं, उसमें हजारों लाखों यूनिट बिजली फालतू खर्च करनी पड़ती है, तब घर में 110 वोल्ट मिलती है। हमारा ये कहना है कि पावर स्टेशन छोटा बनाओ, 110 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो, तो ये फालतू खराब ना करनी पड़े और घर घर में उसका इस्तेमाल हो जाए। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी उत्पाद है जो जहां बनती है वहीं खर्च होनी चाहिए, वो जितना ज्यादा दूर जाएगी ट्रांसमिशन लॉस उतना ही उसमें होता चला जाएगा। अभी क्या भारत में होता है, बिजली बंबई में बनती है, भोपाल में जलती है, तो बंबई से भोपाल आने में जो लॉस हो जाता है वो बेकार। हमारे देश में बिजली का 35% लॉस है ट्रांसमिशन में, ये हम खत्म करना चाहते हैं। घर की बिजली 110 वोल्ट की छोटे पावर स्टेशन में बने, उद्योगों की बिजली बड़े वोल्ट की बड़े पावर स्टेशन में बने, रेलवे लाइन की बिजली 11,000 वोल्ट की है तो वो और बड़े पावर स्टेशन में बने, 3 स्टेप में पावर स्टेशन हम बनाएं, एक 110-200 वोल्ट के, दूसरे 500-700 वोल्ट के और फिर उसके बाद हजारों में, तो इसमें बिजली की बचत होगी, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा और हर गांव को जलने के लिए बिजली मिल जाएगी, 24 घंटे मिल जाएगी, एक मिनट भी बत्ती नहीं जाएगी। और इतना खर्चने में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा, उसके बाद भी पैसे बचेंगे हमारे पास, तो हम गांव की सड़क बनवाएंगे, गांव की सड़क बनाने के बाद बचेंगे तो अस्पताल खुलवाएंगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल, फिर पैसे बचेंगे तो विद्यालय, कॉलेज, और ये सब होने के बाद भी 60 लाख करोड़ बचेंगे, ये सब हो जाने के बाद। फिर हमको समझ में नहीं आएगा करें क्या, सब काम खत्म हो गया, अब कुछ बाकी ही नहीं है तो क्या करें, तो हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे, कुछ करने को ही नहीं है तो ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे और क्या करेंगे। और जो बचा हुआ धन है 60 लाख करोड़ का, वो भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे
और उसका एक साल का 10% का ब्याज अगर जोड़ लें तो 6,00,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। उतने पैसे से देश का काम अनंत काल तक चलता ही रहेगा, आराम से ये देश चलेगा, कोई तकलीफ किसी को होने की जरूरत नहीं। मैंने तो एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 6,00,000 करोड़ सालाना ब्याज मिलता है तो हमको तो टैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स में सरकार 6,25,00,000 करोड़ हमसे लेती है, हमको उतना ही पैसा ब्याज से मिल जाएगा, टैक्स लेने की जरूरत नहीं। तो पूरे देश का टैक्स खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म, वैल्यू एडेड टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय, सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स लेना ही नहीं, शून्य टैक्स कर देंगे, जीरो टैक्स पूरे देश। आप बोलेंगे जब जीरो टैक्स होगा तो क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा कि महंगाई तुरंत नीचे आ जाएगी। आपको मैं एक सपना दिखाता हूं, जो आज सपना है कल हकीकत होगा। वो सपना ये है कि सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल आपको 12 रुपए का मिलेगा, जो अभी 50 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर डीजल आपको 7.5 रुपए का मिलेगा, जो अभी 35 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो रसोई गैस का एक सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा, जो अभी 300 रुपए का है, 400 का। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं तो आपको दाल जो 90 रुपए किलो की है वो 12-15 रुपए किलो में आराम से मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो नमक आपको जो अभी 7-8 रुपए किलो में मिलता है वो 15 पैसे किलो में मिलेगा। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं इस देश के तो आपका बेटा या बेटी आईआईटी में इंजीनियर बनने जाए तो 5 साल का खर्चा मुश्किल से 25,000 रुपए आएगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो आपका बेटा या बेटी एमबीबीएस करना चाहे तो 35-40 हजार में वो 5 साल की डॉक्टरी पढ़ के निकल आएगा। शिक्षा सस्ती, वस्तुएं सस्ती, आना जाना सस्ता। अभी आप भोपाल से दिल्ली जाते हैं 350 का टिकट है, 40-50 रुपए में दिल्ली चले जाएंगे आप। और दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है और वापस दिल्ली आना है, 7,000 रुपए में आने जाने का टिकट बन जाएगा आपका, जो इस समय लगभग 76-80 हजार तक आता है। सारी महंगाई खत्म, हर चीज सस्ती, तो गरीबों को भी इस देश में रास्ता खुलेगा जिंदगी बिताने का, अपनी तमन्नाएं पूरी करने का, अपने शौक पूरे करने का, जो अभी टैक्स के कारण, महंगाई के कारण वो कर नहीं पाते। तो एक तरफ हम रोजगार देना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई खत्म कर देना चाहते हैं। और एक काम हम करना चाहते हैं वो ये कि जो पैसा हम लाएंगे स्विस बैंकों से और विदेशी बैंकों से, अगर देश के लोगों ने हमें थोड़ी भी सहयोग किया तो क्या होने वाला है? हम टैक्स खत्म करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि देखो इनकम टैक्स खत्म कर रहे हैं, आप सारा ब्लैक मनी बाहर लाओ। इस देश के लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी छुपा के रखा हुआ है, आपको मालूम है, वो इनकम टैक्स के डर के कारण। एक बार मैंने भारत सरकार के रिजर्व बैंक से पूछा था कि कितना ब्लैक मनी है भारत में, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 36,00,000 करोड़ का है। ये काला धन है जो छुपा पड़ा है लोगों के घर में, इसको हम बाहर लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? भारत का विकास करने के लिए हमें किसी भी देश के सामने कर्ज ना लेना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, उसके लिए इस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स आप हटा दीजिए, सारा मनी बाहर आ जाए, और 36,00,000 करोड़ अगर एक झटके में बाहर आता है तो इस पैसे से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम भारत का कर्ज चुका सकते हैं जो विदेशों से हमने लिया होगा, और कर्ज चुकाने के बाद हमारे पास 18,00,000 करोड़ बचेगा। 18,00,000 करोड़ का कर्ज है, पूरा कर्ज चुका दें तो 18,00,000 करोड़ बचेगा, उसको 60,00,000 करोड़ में जोड़कर फिक्स डिपॉजिट में डाल दें तो ब्याज का पैसा ज्यादा ही आने वाला है। और एक बार में भारत का कर्ज हम चुका दें तो हर साल का जो ब्याज देना पड़ता है 2,50,000 करोड़, वो बच जाएगा। और कर्ज चुकाने के बाद एक क्रांति होगी इस देश में, वो क्या होगी कि जैसे ही भारत अपना कर्ज पूरा करेगा
तो भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी अमेरिका का एक डॉलर भारत के 50 रुपए के बराबर है, क्योंकि हमने कर्ज ले रखा है। जिस दिन कर्ज वापस करेंगे, एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा। जब एक रुपया एक डॉलर हो जाएगा, तो जो चीजें हम अमेरिका को बेचेंगे उसमें हमारी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी, माने एक्सपोर्ट इनकम, निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ेगी और आयात का खर्चा 50 गुना घटेगा। जो आयात करेंगे वो 50 गुना सस्ता, जो निर्यात करेंगे वो 50 गुना महंगा, माने देश के लिए डॉलर की इतनी बरसात होगी कि आप सोच नहीं सकते। अंधाधुंध डॉलर आएगा देश में, और जब डॉलर देश में आएगा तो पता ही क्या होगा, जितने भारतवासी अमेरिका जाकर बस गए हैं ये सब भागकर भारत में वापस आएंगे। ये अमेरिका क्यों गए हैं? क्योंकि एक डॉलर 50 रुपया है, इसलिए गए हैं। फिर एक डॉलर एक रुपया हो गया, झक मार के वापस आ जाएंगे, वहां क्या करेंगे? और ये अगर भारत आ गए तो ये 2 करोड़ हैं, जिनको एनआरआईज कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ये भारत का बेस्ट ब्रेन है। ये वापस अगर आ गया और यही ब्रेन भारत के विकास के काम में अगर लग गया, तो इस देश को दुनिया में कोई नहीं रोक सकेगा, हम अमेरिका से भी आगे जाएंगे। और एक काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे देश में आजकल 1,000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं, 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1,500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट है। परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हजार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1,000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं। माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश में। वो हमारा सिर दर्द है। हमने उसके लिए एक योजना बनाई है कि पाकिस्तान ये जाली नोट डाल के जो भारत में बर्बादी लाना चाहता है, हम पाकिस्तान का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, 1,000, 500 और 100 के नोट ही खत्म करना चाहते हैं, रखना ही नहीं है नोट। आप बोलेंगे क्यों? कारण उसका यह है कि इस देश में 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया मिलता है खर्च करने के लिए, उनको 1,000 के नोट की जरूरत क्या, 500 के नोट की जरूरत क्या, 100 के नोट की जरूरत क्या, उनको तो 20 का नोट चाहिए। इसका माने 70% नोट तो छोटे होने चाहिए, तो छोटे नोट ज्यादा, और बड़े नोट बंद कर दो 1,000, 500, 100, उनके बदले में सबको 50 के नोट दे दो, तो पाकिस्तान देखें क्या करेगा। पाकिस्तान की एक समस्या है कि वो 1,000, 500, 100 के नोट तो छाप के डाल देता है, 50 का नोट नहीं डाल सकता। क्यों? 50 का नोट छापना बहुत महंगा पड़ता है, 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया इस देश में, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार करके जब इंक्वायरी की और उससे पूछा कि तुम बड़े नोट क्यों लाते हो 1,000, 500, 100 के, 50 का क्यों नहीं लाते, तो उसने कहा कि पाकिस्तान सरकार को 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, घाटा है, इसलिए नहीं लाते। और 20 का नोट छापने में 25 खर्च हो जाता है, 10 का नोट छापने में 15 खर्च हो जाता है, 1 का नोट छापने में 2 रुपए खर्च हो जाते हैं, 5 का नोट छापने में 10 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो हम छोटे नोट नहीं छाप सकते, हमको ही घाटा है, तो बड़े नोट बंद कर दो, छोटे ही नोट चलने दो। तो एक फायदा और होगा, जब 50 से ऊपर का नोट नहीं होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देने की तैयारी करता है। अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी है, ब्रीफ केस में भर के ले जाते हैं, दे आते हैं, 1,000 के नोट है, फिर 50-50 के नोट रहेंगे, तो 10 करोड़ की रिश्वत देने के लिए एक ट्रक भर के नोट लेके जाना पड़ेगा। देखें कौन ट्रक लेके जाता है और कौन ट्रक रिसीव करता है, रखेगा कहां कोई अपने घर में।
माना भ्रष्टाचार घोटाला अपने आप कम, नकली करेंसी का खतरा खत्म, बड़े नोट